हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, आज मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का इंग्लिश का पेपर हुआ था क्लास 8th का। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ ताकि इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे प्रैक्टिस कर पाएँ, नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। और जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको भी आंसर के लिए वेट करना पड़ेगा। मैंने आंसर सारे सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। आपको एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप अच्छे से देख पाएंगे, और बाद में आपको पता है मैं ऑफिशियल आंसर भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप वो भी आंसर देखकर मैच कर सकते हैं। और कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? पेपर तो बहुत मुझे इजी लगा है, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें जो टिक लगे उसको अभी मैंने वेरीफाई नहीं किया, वैसे ज़्यादातर जो मैंने देखा है टिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से करना। पहले जो पैसेज जो किंग थी हर्मिट था, आपने पढ़ा होगा चैप्टर, 7वीं क्लास में वही आया था। और जो सेकंड पैसेज जो इसमें आई थी वो लोटस जो टेम्पल है, ठीक है, जो हमारे दिल्ली के अंदर है, उसी के रिगार्डिंग है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जिसके साइड में एजुकेशन सेंटर भी है, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर था, बहुत ईजी लगी। एनालिटिकल पैराग्राफ भी काफ़ी ईजी था जो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही आया। और यहाँ पर आपने देखा होगा टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, मैंने आपको इसका नोट्स भी दिए थे, मतलब मैंने आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर रखे जो बच्चे पुराने हैं, मुझे पूरा विश्वास है उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। तो आप जो भी नए हैं और जो पुराने जितने भी, सब प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, उनको सब्सक्राइब करें। मैथ्स की भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएंगी। और डायरी एंट्री जो आपको सिलेबस में वही आई है, और ऑप्शन में स्टोरी राइटिंग थी, तो जो बच्चा स्टोरी राइटिंग करना चाहे स्टोरी राइटिंग कर सकता था, जिसे डायरी एंट्री करनी है तो डायरी एंट्री कर सकता था। ग्रामर भी बहुत ईजी है, ठीक है। मैं इसके आंसर आपको जल्दी फटाफट बताऊंगा। इस पर जो टिक लगे उसको मत देखना आप, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो ये है, ठीक है, ओह सॉरी ये है, डी है, ये नहीं है, ठीक है। आपको अलग से आंसर मैं बताऊंगा, ओके। अभी फिलहाल क्वेश्चन पेपर देख लो अच्छे से। और जो बच्चे इवनिंग वाले हैं ना, तो मैंने वीडियो बहुत अच्छी अच्छी बना रखी है इंग्लिश की, ठीक है। तो सारी वीडियोस देख लो अच्छे से, कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँ, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में दे दूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना। तो चैनल के अंदर जाके देख लीजिए आप, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है। और ये क्वेश्चन आंसर थे, आपको चार करने थे क्वेश्चन। और मैंने आपको बताया था कि एक जो है मैसेज या जिसे सेंटर आइडे कहते हैं, तो उसके बेस पर क्वेश्चन आएगा, तो आप देख सकते हैं। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं आपको अच्छे से करनी होती हैं। तो इतना ही था इस पेपर में, तो बाकी आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर साल डियर स्टूडेंट्स।